संगीत धारा SPW एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो व्यूअर्स हैं, जो कमेंट्स में करते हैं, वो उनमें से ना बहुत सारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, उनका भी ये एक सवाल हमेशा रहता है कि हमारा जो सर है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, और हम 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नोट नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से हमारा नोट स्टेबल नहीं है? उसके बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो म्यूज़िक से रिलेटेड तो खैर उसका कोई इतना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है। जितना आप उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना आपको एक एक्सपीरियंस होता जाएगा, मान लीजिए साल भर बाद जब आप देखोगे तो आपका नोट कहीं ना कहीं ठहरता हुआ लगेगा, 2 साल बाद जब आप देखोगे तो आपका नोट कहीं ना कहीं बहुत ठहराव लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वो ठहराव है वो एक्सपीरियंस से, वो प्रैक्टिस से, वो रियाज से आता है। संगीत में तो यही है। लेकिन मैं आपको आज जो एक बात बताने जा रही हूँ, जो मैंने नोटिस करी है ना ड्यूरिंग द टाइम, कि क्यों वो चीज़ ठहराव हमारे अंदर अभी नहीं आती है, लाइक इस एज में नहीं आती है, क्यों नहीं आती है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। मैं हूँ हिमजा और आप देख रहे हैं म्यूजिकल ब्रिज का ये चैनल। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी वजह है जिसके कारण हम अभी तक ठहराव का नोट नहीं लगा पाए। तो एक तो ये है कि बचपन से जब आप सीखना शुरू करते हैं, है ना, तो बचपन से एक एडल्टहुड में आने तक या टीनेजर में आने तक आपका 12-13 साल की जो प्रैक्टिस होती है, 12-13 साल का जो अभ्यास है, वो कहीं ना कहीं आपका आके 15-20-21-22 साल में नज़र आता है कि हाँ आपने रियाज किया है, आपने मेहनत करी है, आपने अभ्यास किया है। लेकिन जो सीखना ही 22 की उम्र में शुरू करते हैं या 24 की उम्र में शुरू करते हैं, लेट्स से वो 28 की उम्र में शुरू करते हैं, तो अब उनका तो ठहराव नहीं, अभी आएगा ही नहीं ना। क्योंकि देखा जाए तो उनकी पूरी जो, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 26 इयर्स की, तो जो पिछले जो 26 साल उन्होंने बिताए हैं, वो पिछले 26 साल उन्होंने एक मोनोटोनस काम किया है, लाइक मान लीजिए सिर्फ पढ़ाई करी है, या मान लीजिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जॉब करी है, या पढ़ाई के बाद में कॉलेज किया है फिर जॉब करी है, यानी कि वो स्थिर नहीं रहे, है ना। तो जब आप आज आके ये कहेंगे कि मुझे संगीत सीखना है, और महीने भर बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरा सुर नहीं लग रहा है, तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो ठहराव वाली ज़िंदगी जी ही नहीं है, है ना। एक जो म्यूज़िशियन होता है या जो म्यूज़िक के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बचपन से सीखते हैं, या जो ये कहें जिनको 10 साल हो गए सीखते हुए, जिनको 12 साल हो गए सीखते हुए, वो एक ज़िंदगी जीते हुए आए हैं, है ना। उन्होंने वो म्यूज़िकल जो उनका लाइफ है वो जिया है, इसीलिए उनके स्वर ठहरते हुए लगते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये है कि जब हमारे विचार, है ना, जब हमारा शरीर, जब हमारे आसपास की जो ज़िंदगी है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा ना, आप स्टेबल सिंगिंग कर ही नहीं सकते। बिकॉज म्यूज़िक इज़ नॉट व्हाट यू सिंग, म्यूज़िक इज़ एक्चुअली व्हाट यू लिव, ठीक है। आप जो अपने आसपास जीते हैं, आप जो अपने आसपास देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी गायकी में, वही आपकी सिंगिंग में, वही आपके बजाने में आता है। तो आपने देखा है कि जब कोई इंसान एकदम ऐसे पढ़ाई के लिए मेहनत करा, एग्ज़ाम के लिए वो मेहनत करता है, तो वह एक कोना ढूंढ लेता है, वो अकेले जाके कहीं बैठ जाता है, है ना, और फिर वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने आसपास 4 दीवार बना लेता है जिसकी वजह से उसको कोई बाहर की दुनिया नहीं दिखती, और उसको दिखता है तो सिर्फ अपना चेहरा, है ना। तो जब उसको अपना चेहरा दिखता है तो उसके माइंड में वो शांति अपने आप रहती है, वो अशांति उसके दिमाग में फैली हुई नहीं होती है ना। वो अपने माइंड में शांत रहता है तो वो अपने शरीर से भी शांत रहता है, और फिर वो कॉन्सेंट्रेटली पढ़ पाता है। यही लॉजिक हमारा सिंगिंग में भी है। जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अगर शांत होगा, जब हमारे आसपास के विचार जो हैं वो शांत होंगे, हमारे मन के विचार जो हैं वो शांत होंगे ना, तो हमारा स्वर भी सधा हुआ लगेगा। और ये जो मैं बता रही हूँ, ये एक
एक थ्योरी है कि मैंने अभी तक जितने भी आर्टिस्ट देखे हैं या मैंने जो महसूस किया है वो ये है कि वो 40 के उम्र में, यानी कि क्रॉसिंग 35 की एज में ही वो लोग स्टेबल होते हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, है ना, और उनका जो काम है वो काम उनके उसमें दिखता है। लाइक जो गाना आप 20 साल की उम्र में गाओगे और जो गाना आप 40 साल की उम्र में गाओगे ना, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि 40 की उम्र में आके आपका शरीर भी स्टेबल हो गया ना, आपके शरीर की ग्रोथ बंद हो गई, आप ऐसा हाइट नहीं बढ़ती उस समय, है ना, और जो हमारा शरीर है वो वैसा ही रहता है, उसकी आकृति वैसी रहती है, और कहीं से हम ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं, ना हम लंबे होते हैं ना छोटे होते हैं, ठीक है, ना हमारे नाक नक्श चेंज होते हैं, हम कुछ चेंज नहीं होता, सेम होता है जब हम एक 35 क्रॉस जब हम कर लेते हैं। फिर उस समय लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि ओके, यू हैव अ करियर, यू हैव अ जॉब, है ना, लेट्स से यू हैव अ फैमिली और सब कुछ सेटल्ड है, जो भी आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में करना था आप कर चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आके आप जब सीखना शुरू करेंगे ना, मेरे ख्याल से ये एक नई थ्योरी है कि जब आप 40 की उम्र के बाद सीखना शुरू करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 40 प्लस हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट म्यूज़िक, वो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से मेहनत भी करते हैं, है ना, और उनके आवाज़ में वो चीज़ मुझे नज़र आती है कि हाँ, उनका स्वर सही लग रहा है या वो एकदम स्टेबल नोट लग रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, है ना। तो इसका एक जिस्ट है वो यही है कि जब आप अपने जीवन में शांति एक्सेप्ट कर लेंगे ना, जब आप अपने जीवन में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आप एक्सेप्टेंस ये कर लेंगे कि भाई अब मेरे पास जो है मैं खुश हूँ उसमें, तब जाके आपके अंदर का संगीत भी सधा हुआ, ठहराव और धैर्य वाला निकलेगा। उससे पहले अगर आपके क्या बोलते हैं दिमाग में अगर चूहे दौड़ेंगे तो वो उथल पुथल मचाएंगे, है ना, उनको शांत करना पड़ेगा, उनको सुलाना पड़ेगा, तब जाके ही आप प्रॉपर नोट्स को गा पाते हैं। इवन एक और प्रॉब्लम है कि वाइब्रेट होता है ना नोट, तो वो क्यों होता है, क्योंकि आप सांस जल्दी ले लेते हो। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, आप रिलेट करो इसको कि जब आप सांस जल्दी ले लेते हो तो सांस जो हमारा स्वर है वो कम आता है और हिला हुआ आता है, लेकिन जब हम धीरे सांस लेंगे, वक्त लेकर जब हम सांस लेंगे तो हमारा स्वर उतना ही ठहराव के साथ आएगा, उतना ही शांतिपूर्वक और उतना ही मधुर आएगा, है ना। तो सेम चीज़ है, अब आप किसी भी चीज़ को अगर जल्दी कर लोगे तो वो चीज़ बिगड़ेगी ही है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में वक्त देते हैं, अगर आप किसी चीज़ में समय को एकदम छोड़ देते हैं कि जहाँ तक जाएगा हम जाएंगे, तब वो चीज़ अपने आप निखर के आती है, है ना। तो और ये चीज़ हर एक चीज़ में, हर एक आर्ट में है, इवन कुकिंग में भी है, इवन ड्राइंग में है, राइटिंग में है, कैलीग्राफी में है, है ना, जब आप पेंटिंग करते हैं या जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, है ना, आप कोई भी नई भाषा अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वक्त देना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो धैर्यता पूर्वक उसमें जो है समय बिताना पड़ेगा, तभी जाके वो स्वर आपका सही लगेगा, है ना। तो आई होप कि आप कोशिश करें ये कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आप शांत रखें, अपने मन के विचारों को शांत रखें, उथल पुथल ना मचाएं, ताकि आपका जो संगीत है वो सधा हुआ और धैर्यता वाला निकले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स, ऐसे ही जो सिंगिंग टिप्स हैं वो लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्दी मिले, और रोज़ ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी पे भी अप्रोच कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको, टेलीग्राम पे आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आप के जो भी सवाल हो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो हम जल्द से जल्द उनको सॉल्व कर पाएँ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल एंड फील द बीट। Thank you.